भीषण गर्मी के चलते आम जनमानस परेशान है और इससे हीटवेव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। गर्मी के मौसम मुख्यतः मई जून एवं जुलाई माह के तापमान में सामान्य से ज्यादा वृद्धि होने पर शरीर के तापमान में भी असामान्य वृद्धि होती है, जिससे हीट वेव या लू की स्थिति उत्पन्न होती है। जब तापमान दो या तीन दिनों तक 45 डिग्री सेल्सियस से या उससे ज्यादा रहे तो हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होती है। हीट वेव लू के लक्षण: सिर दर्द, कमजोरी लगना, चक्कर आना, गर्मी से अकड़न, शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ जाना, जी मिचलाना, त्वचा लाल होना, बेहोशी, भ्रम की स्थिति जैसा लगे, तो ये हीट वेव लू के लक्षण है। हीट वेव से प्रभावित व्यक्ति के उपचार के लिए क्या करें? सर्वप्रथम पीड़ित को एक छायादार पेड़ के नीचे या कोई छायादार स्थान पर ले जाएं, गीले कपड़े से उसके चेहरे एवं शरीर को साफ करें, सिर पर सामान्य तापमान का पानी डालें। मुख्य बात पीड़ित के शरीर के तापमान को कम करना है। व्यक्ति को ORS, नींबू शरबत या जो भी शरीर को बहाल करने के लिए उपयोगी है उसे दें। व्यक्ति को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत ले जाएं। रोगी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्मी के स्ट्रोक घातक हो सकते हैं तथा हार्ट अटैक की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हीट वेव लू से बचाव के लिए क्या करें, क्या न करें? तेज धूप में निकलने से बचें। अगर तेज धूप में निकलना जरूरी है तो निकलते वक्त छाता लगा लें या टोपी पहन लें एवं हल्के रंग के सूती एवं ढीले कपड़े पहने तथा ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर अधिक से अधिक ढका रहे। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में ORS वाला पानी पीकर घर से बाहर निकला जाए एवं समय समय पर पानी पिया जाए। निर्जलीकरण से बचने के लिए अधिक मात्रा में पानी, मौसमी फल, गन्ने का रस, कच्चे आम का रस, नारियल पानी, ORS घोल का उपयोग किया जाए। यात्रा करते समय अपने साथ पानी रखें, संतुलित हल्का तथा नियमित भोजन करें, स्थानीय न्यूज चैनल एवं पेपर रेडियो से स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को सुने और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सतर्क रहें। बीमार, गर्भवती महिलाएं, किसान एवं कामगारों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जानवरों को छाया में बांधें और उन्हें पर्याप्त पानी पिलाएं। सभी जनमानस एवं पशुओं को सीधी सूर्य की रोशनी से बचने की सलाह दें। क्या न करें? अधिक प्रोटीन तथा बासी एवं संक्रमित खाद्य एवं पेय पदार्थों के प्रयोग न करें। अल्कोहल, चाय, कॉफी से परहेज करें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच सूर्य के ताप से बचने का प्रयास करें। जानवरों एवं बच्चों को कभी भी बंद वाहन में अकेला न छोड़ें। खाना पकाते समय खिड़कियों व दरवाजे खोल कर रखें तथा दोपहर के समय खाना पकाने से बचें। सूर्य के ताप से बचने के लिए जहां तक संभव हो घर के निचले मंजिल पर ही रहें। दोपहर के समय बाहर होने पर अत्यधिक श्रम वाले कार्यों से बचें। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।